स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर स्टार प्रचारकों का जबलपुर दौरा हो रहा है, जहां भाजपा और कांग्रेस पार्टी के स्टार प्रचारक के साथ साथ अन्य पार्टियों के भी स्टार प्रचारक जबलपुर पहुंच रहे हैं। उसी कड़ी में कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व राहुल गांधी का 9 नवंबर को जबलपुर आगमन हो रहा है, जहां जबलपुर के त्रिपुरी चौक से एक रोड शो का आयोजन किया जा रहा है, जहां पश्चिम विधानसभा की आम जनता से कांग्रेस पार्टी को वोट देने की अपील राहुल गांधी के द्वारा की जाएगी। वहीं जिसको लेकर पूरी तैयारी कांग्रेस संगठन के द्वारा की गई। वहीं राहुल गांधी के जबलपुर आगमन को लेकर अभी भी विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है। वहीं राहुल गांधी पश्चिम विधानसभा के साथ साथ अन्य विधानसभा क्षेत्र का दौरा कर सकते हैं। जबलपुर से न्यूज 69 के लिए वाजिद खान की रिपोर्ट। 9 तारीख को राहुल गांधी जी का जबलपुर आगमन। जी हां, हम सबके वरिष्ठ नेता और लोगों के चहेते राहुल गांधी जी जबलपुर आ रहे हैं और संस्कारधानी जबलपुर की जनता, मध्य प्रदेश की जनता उत्साह के साथ उनके आने का इंतजार कर रही है और उनकी बातें भी सुनना चाहती है, उनसे मुलाकात भी करना चाहती है। किस तरीके से कहां-कहां का रोड शो ये अभी तय हो जाएगा कुछ देर में। हमारे पार्टी के जो संगठन के सभी सम्मानित नेता हैं वो बैठ कर तय कर रहे हैं। जहाँ तक मुझे खबर है कि जबलपुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में त्रिपुरी चौक से उनका एक रोड शो शुरू होगा, जहाँ वो जनता का अभिवादन भी स्वीकार करेंगे, उनकी बात भी सुनेंगे और उनकी बातों का उत्तर देंगे। पश्चिम क्षेत्र में जनसंपर्क चल रहा है, गुलाब सिंह वार्ड, शहीद गुलाब सिंह वार्ड में आज जनसंपर्क है सभी का। ये हमारा परिवार है जबलपुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र, सबका स्नेह प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है और ये आदेश भी मिल रहा है कि अगले 5 साल के लिए तैयारी कीजिए, आपको जनसेवक के रूप में पुनः इस क्षेत्र की सेवा करना है। इस खबर पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।